Hey guys, welcome back. This is Bushir Dholakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all. So आज का जो वीडियो है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो होने वाला है फ्रॉम यू नो माय जनरल रिएक्शन वीडियोस. आज का जो वीडियो है वो एक व्लॉग के ऊपर रिएक्शन होने वाला है ऑन व्लॉगिंग यू नो बेसिकली रिएक्शन. और वो जो व्लॉगर है वो एक बहुत ही फेमस व्लॉगर है. हिज नेम इज गौरव तनेजा AKA फ्लाइंग पेस्ट. आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो उनके वीडियोज देखते होंगे, काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो उनके वीडियोज को पसंद करते होंगे. अगर नहीं भी देखते है तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको आई एम श्योर कि ये वीडियो जरूर पसंद आएगा बिकॉज ही मेक्स सच अ वंडरफुल यू नो फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट. उनकी जो पूरी फैमिली है उनको लेकर यू नो वो ट्रैवलिंग व्लॉग या घर पे होते तो भी व्लॉग बनाते हैं एंड ही नोज हाउ टू यू नो एंटरटेन पीपल. और उनकी जो छोटी सी क्यूट सी बेटी है रश्वरी, जिनको प्यार से लोग बोलते हैं, शी इज ऑल्सो वेरी एडोरेबल. सो आई एम श्योर यू गोना लव दिस व्लॉग एंड यू गोना लव दिस वीडियो इज वेल. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट. द ओरिजिनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. मेक श्योर यू वॉच दिस एंटायर वीडियो एंड इफ यू लाइक माई रिएक्शन don't forget to like the video and subscribe to the channel. So yeah, let's see the video first. So guys, it is 5 in the morning. We have a balcony mein mili room ke sath ek amazing. By the way, this is a video from Vaishno Devi in Jammu Katra. So ye main batana bhul gaya tha. We have to be quick kyunki 6 baje aarti shuru ho jayegi. Phir bheed bahut zyada badh jayegi. Rashi chalo chalo mata se mil lenge, mata se chalo. Thanda pani beta. Wo samne bawal hai na. माँ भगवान जी रहते हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं. चलोगे? चलो. रश्यू, वो जो मंदिर है ना वहाँ पे माता ना जब राक्षस को मारने के बाद उन्होंने एक पिंडी का रूप, पिंडी मतलब पत्थर का रूप ले लिया. हाँ मेरे को बताओ. That's right. मैंने रात तो सुनाई है. मेरी माँ रश्यू तीन पत्थर देखेंगे आपको, उनको ध्यान से देखना ठीक है रश्यू. हाँ उन्हीं में माता है रश्यू. जय माता दी, जय माता दी. यहाँ रात को यहाँ सारी जगह लगी. यार काफी डेवलप हो चुकी है जगह पहले के मुकाबले. पहले के वीडियोस में अगर आप देखें तो इतना डेवलप नहीं था. तो हमारे दर्शन हो गए कंप्लीट. बहुत ही अच्छे दर्शन हुए माता रानी के. 6:20 से माता की आरती शुरू होती है. 5:30-5:40 के बाद दर्शन बंद कर दिया जाते हैं. उसके बाद 8 बजे तक आरती चलती है, उसके बाद ही दर्शन खुलते हैं. मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि माता रानी सबके दुख दर्द दूर करे. मैं यहाँ का प्रचार सबको तो नहीं बांट सकता. अभी एंट्रेंस बंद कर दी गई है, यहाँ लाइन लग चुकी है, सब लोग यहाँ बैठे हैं. अभी 8 बजे खुलेगा ये. पापा का प्रसाद का है. Flying Beast Family. तो गाइस हमने अभी 1 लाख का डोनेशन दिया फ्लाइंग बीस्ट फैमिली की तरफ से. जैसे रितु कल कह रही थी कि यहाँ पे डोनेट मत करो, किसी और को दे दो जो बहुत गरीब लोग हैं. मैं कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ जब आप आते हैं माता रानी के दर्शन करने तो यहाँ पे किसी को फीस नहीं दी जाती, सब कुछ सब्सिडाइज होता है. यहाँ पे इतना बड़ा खड़ा करना, रन करना, मेंटेनेंस करना, तो ये है दिल्ली से. तो जो है हाँ देख लेता नाम देखिए. बैग में डाल देंगे, सबको बांट देंगे. सो दीज आर सम अदर डोनेशन जो रिश्तेदारों ने कहे थे, बट दिस इज द डोनेशन फ्रॉम फ्लाइंग बीस्ट फैमिली. फ्लाइंग बीस्ट फैमिली दिल्ली. इसमें कैसे लिखा वन जीरो. सो ये सबकी तरफ से यहाँ पे है कि हम लोग तो सामर्थ्य हैं तो हम लोग कर सकते हैं, बट बहुत लोग ऐसे आते हैं जो सामर्थ्य नहीं होते. अभी आप देखोगा यहाँ पे भी खुले में सो रहे थे लोग. तो ये जो सारी फैसिलिटी रन होती है ये डोनेशन से ही रन होती है. अगर डोनेशन सारा बंद हो जाएंगे, आप देख रहे इतना बड़ा भवन माता का है, इतनी बड़ी लंगर चलते हैं, इतना सारा कुछ चलता है, इतना नवरात्र में फूल लगाते हैं, सजाते हैं माता के उसको. लेकिन जो खाने में 7 रुपए की चाय मिलती है, 10 रुपए का डोसा मिलता है, वो तभी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जो समर्थ लोग होते हैं वो डोनेट करते हैं. और ये डोनेशन हम सब की तरफ से. और इतने गरीब लोग, दैट्स डेफिनेटली अ बिग थिंग. वो कैसे खाएंगे? लोग बसों में आते हैं, ऊपर पैदल चढ़ते हैं. मैंने देखा बुढ़ी बुढ़ी औरतें रास्तों में पैदल चलती हैं. अ लॉट ऑफ मनी इज नीडेड टू रन दिस प्लेस. तो हमारा बस छोटा सा योगदान था और हम सबकी तरफ से छोटा सा योगदान था. भगवान जी से मिल लिए ये आपका ये फ्लाइंग बीच फैमिली का रश्मि ने पकड़ा दिया नहीं कितनी. सो वी हैव बॉट हेलीकॉप्टर टिकट्स फ्रॉम हियर. अभी निकलते भैरव के लिए. चलो कह रहा गोदी लो गोदी पहले वो गोदी हटो छोड़े भाग गया भाग गया भाग. बड़ी क्यूट लड़की है वो. आलू पटाटा रश्मि का. सो वी हैव रीच्ड आवर रूम. यहां से हम सामान लेके जाएंगे पहले भैरव. आपको बाहर का बालकनी अभी देते हैं क्योंकि सुबह तो अंधेरा था. सो दिस इज द व्यू. ये सारे रूम्स हैं, सारे रूम्स हैं. सामने माता का दरबार है. बोलो साचे दरबार की जय.
तो यहाँ से हमने पर्ची कटा लिया है, जहाँ भी आपको पिछड़ टू करना 390 कपड़ा में यहाँ से भैरो से हेलीपैड सही रेट है मोटे पूरे श्राइन बोर्ड ने सब कुछ एकदम स्ट्रीमलाइन कर रखा है। पूरा समय आया था मम्मी पापा के साथ तो मतलब यहाँ से भैरो का रास्ता एकदम कच्चा रास्ता था, लेकिन अब इतना बढ़िया हो गया श्राइन बोर्ड ने बिल्कुल बहुत खूबसूरत जगह लग रही है। ये जाती है अभी भगवान से भैरव की ओर, लेकिन ये शुरू होगी 8 बजे तो जब तक 8 बजे तब तक हम भैरव पहुँच जाएंगे पैदल। जय भैरव बाबा। तो सामने है भवन, ऊपर जा रहे भैरव। हमारे भैरव बाबा के दर्शन हो गए कंप्लीट, अब शूज पहन के हम लोग जा रहे हैं सांझी छत। यहाँ पे बहुत लोग आपके बताते हैं घोड़ा ले लो हेलीपैड तक, यहाँ ले लो पिट्ठू ले लो। मुझे लगता है यहाँ मैं पैसे दूँ और बैठ के जाऊँ, फिर घर जाके मैं फिर से पैसे दूँ, उसके बाद जिम कार्डियो उल्टा नहीं है। ओके तो ये हेलीकॉप्टर से वो लोग जाएंगे। भैरव के पास बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन उसको घमंड हो गया था। मरने के बाद रावण ने भी, मरने के बाद भैरव ने भी माता से माफी मांगी, राम जी से माफी मांगी थी, और उसके बाद उनका नाम होगा कि मतलब अगर आप क्षमा भी मांग लेते हैं अहंकारी होने के बाद भी सुधर जाओ क्षमा मांग लो तो दुनिया को याद आएगा, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। माता ने उसका दर्जा कितना ऊंचा कर दिया है। आती जा वहाँ पे मजे मत कर, आती जा सामने आई थिंक वो देख रहे नीला नीला दैट इज द कटरा रेलवे स्टेशन आई थिंक, लेकिन ऐसा लग रहा है आधा नीचे तो हम वैसे ही आ गए हेलीकॉप्टर के फालतू के हमने, ऐसा लग रहा है वी हैव टेकन अ बैड कॉल। हमारा हेलीकॉप्टर 10:30 बजे का, अभी 9 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 1.5 घंटे में हम पैदल पूरा नीचे ऐसे उतर जाएंगे। लेकिन लोग देख लोग बाज नहीं आते, लोगों ने भी यहाँ पे भी गोद रखा है देख, दीपक प्यार एक धोखा विक्टोरिया पता नहीं कौन सा प्यार है प्यारे पे धोखा खाया लोग यहाँ पे लिख के जाते हमने धोखा खाया। शायद माता से मन्नत मांगने आते हो कि माता मेरा प्यार सफल कर दो, हो सकता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इंडियन आशिकों को दीवार में लिखने में क्या मजा आता, और किसी देश में ये रिवाज नहीं होता होगा। उन्हें लगता है कि हमारा प्यार जिंदगी भर जिएगा दीवार पे। लेकिन अगर दीवार पुताई हो गई तो अच्छा लगा मोर कैरियर मोर हेलीकॉप्टर हम आगे बैठे थे ना, आगे ज्यादा मजे है। सो वी आर बैक टू आवर रूम, चलो चलो वाओ के अपना ही रूम है, चलो अच्छी में। अरे वाओ हमने मंगा लिया पूड़ी छोले, और इतने खा के पूड़ी छोले खा के जो बहुत टेस्टी है यहाँ पे। चलो 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 लेट्स गो लेट्स गो। कहाँ जाना पता है, जाए जा रही हो है एरोप्लेन में। चलो तो हम लोग आ गए यहाँ के फेमस राजमा चावल खाने, ये हमको पिनिया दिए पाजी, थैंक यू फॉर द पिन्नी पाजी ने हमको पिन्नी दी है, कहते हैं वर्कआउट के पहले ये खा करो, तो इनकी रेसिपी इनकी वैसी बहुत बढ़िया बॉडी है, दिखने रही शर्ट के अंदर से। यहाँ चुके वर्ल्ड के बेस्ट राजमा चावल, अगर आप जम्मू आते जम्मू एयरपोर्ट पे ऊपर रेस्टोरेंट है जरूर खा के जाइएगा। कैसे बुलाते मैम को, क्या चाहिए तुमको मैम से? बीच दिल्ली यात्रा हुई सफल, रितो रशिया भी नहीं है, मैं जल्दी आ गया, मैंने सामान रेडी कर दिया है, उबर भी रेडी कर दी, बस इनकाने का वेट है। एक्सप्रेस सर्विस देता हूँ उनको, एक्सप्रेस भी यहाँ 2 मिनट होगी जगह, मैं टूर लेके आता हूँ। मैं फोटो खिंचाता मेरे साथ, मेरे को बहुत खुशी होती है हर बार लिया कर, ठीक है। रियो क्या कह रही हो, चॉकलेट बहुत हेल्दी है, ये किसने बताया आपको बेटा ये? नहीं मिलेगी चॉकलेट, नहीं मिलेगी। क्या चाहिए क्या चाहिए? अरे राम ऐसे चिल्लाते हैं, मैं सबको बोल दूंगा रशी को, रशी को आज के बाद कोई चॉकलेट नहीं देगा, और मैं गाइस मैं सीरियसली बोल रहा हूँ स्टॉप गिविंग चॉकलेट्स टू रसबेरी। आप लोग प्यार से देते हैं, मैं किसी को मना नहीं कर पाता, बट इन टर्न डूइंग ऑल दिस ये स्पॉइलिंग आवर प्लेस। क्या ए बता सुन सुन, चॉकलेट कहाँ से लाई थी? कहाँ से लाई थी बताओ? मेरे कहती है पापा इसमें आलमंड है ये हेल्दी है। हाँ, पापा को बेवकूफ बनाओगी तुम्हारे भैया, न्यूट्रिशनिस्ट है न्यूट्रिशनिस्ट। भाई जैसा होता आपके साथ कि समटाइम्स यू फील ओ माय गॉड आई हैव डन एवरीथिंग टुडे, सब कुछ कर लिया, फिर भी ये भी इट इज ओनली 3 in the afternoon और 4 in the afternoon एंड आई कैन डू सो मच मोर, एंड देन यू राइज नो आई गॉट अप 4 in the morning एंड प्रॉब्ली आई एम नियरिंग द एंड ऑफ माय डे, सो दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी टुडे।
सोने जा रहा हूँ, इट इज नॉट वेरी लेट, इज जस्ट 8:30 इन द इवनिंग। रितु गई अपने फ्रेंड के पास, रितु और रशि फ्रेंड को भी एक बेबी हुआ है तो उससे मिलने गई है। टुमारो हम निकल रहे हैं जैसलमेर के लिए, और जो मैंने वो चॉकलेट वाली बात की उसको प्लीज 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 उसको सीरियसली लेना, बिकॉज आई नो यू गाइज लव रशि सो मच मोर देन अस एक्चुअली, और आप लोग उसके लिए प्यार से कुछ ना कुछ लेके आते हो, बट गिविंग अ किड चॉकलेट इज एक्चुअली स्पॉइलिंग हर। लोग उसके लिए चॉकलेट्स लेके आते हैं, स्वीट्स लेके आते हैं, और हम उसको अवॉइड करते हैं, तो शी थिंक्स दैट पीपल आर नाइस एंड वी आर बैड। पेरेंटिंग इज ऑलरेडी वेरी टफ एंड इट मेक्स इट अ लिटिल हार्डर फॉर अस, सो प्लीज प्लीज समझो इस बात को, उसको चॉकलेट्स मत दिया करो, उसको मीठे याद लग जाती है, उसने खाना खाना इतना कम कर दिया है, शी यूज़ टू ईट एवरीथिंग एंड नाउ शी इज़ लाइक उसको मीठा, तो आई होप अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, नमस्कार। You know, it was a beautiful, sweet video, क्योंकि जिस तरह से इस वीडियो की शुरुआत हुई, जम्मू कश्मीर में वो लोग थे, कटरा में वैष्णो देवी माता के दरबार के अंदर, और यू नो हमेशा अच्छा लगता है जम्मू कश्मीर को आप देखें या आप यू नो उस खूबसूरती को देखें, पूरे पहाड़, यू नो उनकी वादियाँ, आई थिंक इट्स ऑलवेज मेसमराइजिंग टू सी। और उसके साथ आई थिंक जो उन्होंने दिखाया हमें वैष्णो देवी, आई थिंक बहुत ही खूबसूरत जगह बन चुकी है अब पहले के मुकाबले भी, क्योंकि पहले अच्छी थी लेकिन अब तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। और लगता है कि उन्होंने भी ऑफकोर्स इस व्लॉग के अंदर बताया कि यू नो पहले जब वो आते थे तो इतना डेवलप नहीं था, या कुछ रास्ते जो ऐसे थे वो उतने बने हुए नहीं थे या कच्चे रास्ते थे, लेकिन अब तो कम्प्लीटली पूरा उसको सीमेंट से या उसको पेवर ब्लॉक से बना दिया गया है, एंड यू नो इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। उसके अलावा आई थिंक उन्होंने जो यू नो डोनेशन दिया 1 लाख का फॉर द फ्लाइंग बेस्ट फैमिली, जो कि उनकी चैनल है, एंड वी ऑल नो यू नो ही इज़ गेटिंग सो मच लव, सो मच यू नो रिस्पेक्ट फॉर वट एवर ही डज, एंड उनकी जो तीन वो अपने यूट्यूब चैनल रन करते हैं, 3 से 4 एज फार एज आई नो, आई थिंक वो 3 है, और बहुत ही आई थिंक मेहनत लगती है उस पर, बहुत ही एफर्ट लगती है, एंड ही डोनेटेड 1 लाख रुपीज टू द वैष्णो देवी टेम्पल। और यू नो मे बी जैसे उन्होंने कहा कि यू नो क्या हमें टेम्पल पे देना चाहिए, या उनकी वाइफ का सजेशन था कि हमें किसी गरीब को देना चाहिए, आई थिंक मे बी होता तो शायद यू नो इसी तरह से एडवाइस करता, हम सब आई एम श्योर कि वही सोचते हैं कि किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। बट हैविंग सेड दैट, जो उनकी आर्ग्यूमेंट थी वो बिल्कुल सही थी कि इतनी बड़ी फैसिलिटी को रन करने के लिए भी आपको काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें या ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो सब्सिडाइज होती है, इतनी बड़ी एक बिना स्ट्रक्चर बनाना, उसको रन करना, खाना पीना मैनेज करना, फेस्टिवल्स होते हैं उन सबको मैनेज करना, इतना स्टाफ होता है, और इन सबको देखते हुए आई थिंक अगर आप कैपेबल है तो ज़रूर देखना चाहिए कि आप कुछ उसमें डोनेशन दे सके, अपना कुछ योगदान दे सके। एंड उन्होंने बिल्कुल बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं यू नो जो बहुत दूर दूर से आते हैं, उनको पैसे नहीं होते तो वो लोग वहीं पे सो जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते हैं, तो वो जो खाना होता है, लंगर होता है, उन सब के लिए कोई ना कोई तो पे करता ही है, वो सब डोनेशन से ही अल्टीमेटली रन होता है। सो आई थिंक इट वाज अ नोबल कॉज, और ये सिर्फ यू नो मंदिर के लिए या वैष्णो देवी माता के लिए ही नहीं, आई थिंक ये हम सब पे लागू होता है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो यू नो चर्च हो, चाहे वो मोनेस्ट्री हो, यू नो कोई भी यू नो ऐसा कोई भी लोकेशन हो या ऐसा कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन एवरीथिंग। सो बहुत ही अच्छा लगा, और आई थिंक जब व्लॉग की बात करें, वो लोग यू नो पैदल काफ़ी देर तक चले वो लोग, उसके अलावा आई थिंक वो फिर हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर में भी नज़ारा काफ़ी अच्छा था, हालांकि ज़्यादा दिखा नहीं, बिकॉज़ आई एम श्योर कि उनको भी इतना टाइम नहीं मिला होगा, बिकॉज डेली वो व्लॉगिंग करते हैं तो इतना आसान नहीं होता, यू नो ऑलमोस्ट डेली व्लॉग्स बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो आई मेक दिस काइंड ऑफ अ वेरी सिंपल वीडियो, उसके बाद भी मैं डेली तो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, एंड ही डज दैट, आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली कमेंडेबल यू नो। और उसके अलावा आई थिंक जो चॉपर की राइड थी, फिर वो फ्लाई ऑफ करके डेली आए, डेली में अपने घर पर गए, और फिर यू नो उन्होंने रिक्वेस्ट की सबसे कि चॉकलेट मत दो बच्चे को, क्योंकि बच्चा जो है स्पॉइल हो जाता है, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यू नो हम लोग एक जेस्चर होता है कि किसी भी बच्चे को मिले तो हम लोग उसको यू नो मिठाई देते हैं, जाहिर सी बात है, तो आई थिंक वो उनकी रिक्वेस्ट बिल्कुल सही थी, बट यू नो बहुत ही क्यूट है रश भरी, सो आई एम श्योर कि आप ऐसे काफ़ी लोग जो है वो मिलते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, एंड इट इज़ आई थिंक क्वाइट ऑब्वियस थिंग, बट आई थिंक बहुत ही अच्छा वीडियो लगा, बहुत ही यू नो समझदारी वाला वीडियो लगा, मुझे लगता है कि फैमिली ओरिएंटेड हमेशा वो कंटेंट बनाते हैं, और इसीलिए उनकी फैन फॉलोइंग जो दिन ब दिन काफ़ी बढ़ती रही है, मे बी उनका सब्सक्राइबर, आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग उनके सब्सक्राइबर जरूर होंगे, तो यह जरूर बताना मुझे गाइस कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा रिएक्शन कैसा लगा, इट इज़ लिटिल हटके रिएक्शन देन यूजल व्हाट आई डू, बट मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक रिएक्शन बना दिया जाए, बिकॉज यू नो मुझे पसंद है उनके व्लॉग्स, और मुझे लगता है कि जो कंटेंट मैं देखता हूँ अगर वो आप भी देखते हैं, या उसको मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिएक्शन दे दूँ
तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. सो जरूर मुझे बताएगा गाइस कमेंट सेक्शन में, अगर आपके पास ऐसा कोई भी सुझाव हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो वीडियो के लिए, यू गाइस कैन ऑलवेज लेट मी नो इज वेल. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट रिएक्शन. अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा रिएक्शन पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.